आज हम बनाते हैं बचे हुए चावलों से टेस्टी सा कटलेट। तो ये देखिए हमारे कटलेट कितने बढ़िया से बन रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी कटलेट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज का चटपटा नाश्ता हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से। तो मेरा दोपहर का एक कटोरी चावल बच गया है, तो चावल सबके घर में बच ही जाता है, तो इसी बचे हुए चावल का आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता। तो चलिए हम झटपट से बना लेते हैं चावल का नाश्ता। इसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है, जो कि सामान आपके घर में इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी तो चावल ले लिया है बचा हुआ, और यहाँ पे तीन चार ब्रेड थी मेरे पास, जो ब्रेड कोई नहीं खाता है, ऊपर नीचे ब्रेड बच जाती है, उसी ब्रेड का मैंने ब्रेड क्रम बना लिया है। और यहाँ पर मैंने आधी शिमला मिर्च कट करके ले ली है, और यहाँ पर तीन चार कलियाँ लहसुन की ले ली है कट करके छोटा छोटा, और दो हरी मिर्ची ले ली है। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं। और एक यहाँ पर मैंने छोटा साइज का ही प्याज बारीक कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने खूब सारा हरा धनिया लिया है। अब इसको कर देते हैं हम साइड में, और हम ले लेते हैं एक बाउल। और यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ आलू ले लिया है, इसको मैंने गर्म आलू में ही मैश कर दिया था, तो अच्छे से मैश हो गया है। तो इसी में डाल देंगे अपना हम चावल, शिमला मिर्च भी अपनी हम डाल दी इसमें, प्याज काट के रखा उसको भी डाल देंगे, और यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्ची है इसको भी डाल देते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम, हमको लगेगी ज़रूरत तो हम बाद में और डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़े से मसाले ले लिए हैं, ये वही मसाले हैं जो हमारे किचन में डेली यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पिंच हल्दी ले ली है हल्का सा कलर के लिए, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और नमक ले लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और दो पिंच ले ली हींग, हींग हमारे डाइजेशन के लिए बेटर होता है, और आधा छोटा चम्मच धनिया, और ये ले ली मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची, और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ही मैंने जीरा ले लिया है। अब इन सबको भी इसमें हम देंगे मिक्स कर, तो इन सबको खूब बढ़िया से पहले हम मिक्स कर देते हैं। तो हमने सब चीज़ एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें डाल देंगे हम खूब सारा हरा धनिया, तो इसको डाल के हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स मिक्स। यहाँ पर बैटर हमारा बिल्कुल खूब बढ़िया से हो गया है मिक्स। अब हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि चिपके नहीं, चिपक तो वैसे भी नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा लगा लेंगे तो सही रहेगा। अब आपको जो पसंद हो आप उस शेप में इसकी लोइयां बना लें। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा लंबे आकार में बना रही हूँ, ये बहुत आसानी से बन जाता है। और देखिए हमने इसमें और ब्रेड क्रम नहीं डाला है, ये उतने से ही अच्छी सी बैंडिंग आ गई है इसमें। तो आप चाहें तो बैंडिंग के लिए इसमें आप बेसन डाल सकते हैं या चावल का आटा डाल सकते हैं, जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। तो ये देखिए हम इस शेप के अपने कटलेट बना लेंगे। तो ऐसे अपने हम सारे कटलेट बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारा नाश्ता लिया बना, अब चलते हैं हम गैस के पास इनको फ्राई करने के लिए। आप मैंने दो चम्मच बेसन ले लिया है, इसका एक स्मूथ सा घोल बना लिया है, और इसमें मैंने एक पिंच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसका बढ़िया सा बैटर बना लिया। देखिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला। तो अब यहाँ पे अपने हमने जो एक कटले बना के रखे हैं इनको इसमें अच्छे से डीप कर देंगे, ऐसे इनको डीप करके निकाल के, और इधर मैंने जो ब्रेड क्रम बचा के रखे थे उसको इसमें हम कोट कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से कोट कर दिया, अब इनको कर लेते हैं हम फ्राई। तो यहाँ पे हमारा तेल भी बढ़िया से गर्म हो गया है, और इसको हम गर्म गर्म तेल में हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे एक साइड से बढ़िया से सिक गए हैं, अब इनको हम पलट देते हैं। तो ऐसे इनको हम उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने कटलेट को हमने पलट के भी एक मिनट अच्छे से सेक लिया है, अब इसको हम उलटते पलटते हुए ही क्रिस्पी गोल्डन होने तक ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा कटलेट कितना बढ़िया लग रहा है, ना एक भी कटलेट टूटा है ना कोई फटा है। तो आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके कटलेट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, और एक खाने में तो टेस्टी है ही। तो इसको हम थोड़ी देर भी और फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, ताकि इसमें अच्छा से कलर आ जाए और ऊपर से क्रंची बन जाए। तो यहाँ पे हमारे कटलेट खूब बढ़िया से गए हैं सिक, इनको और ज़्यादा नहीं सेकेंगे क्योंकि अभी ये अपने आप में थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे। इनको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लोर ले लिए थे, तो इसको मैंने मिक्सी में अच्छा सा दरदरा सा पीस लिया है, तो थोड़े से मैंने कॉर्नफ्लेक्स के क्रम बना लिए हैं। तो थोड़े से कटलेट हम
इसमें बनाएंगे। तो ऐसे ही पहले अपने हम बेसन में डिप कर लेंगे, उसके बाद को हमने इसमें अच्छे से कोट कर देना है और उस गैस को डाल देंगे हम कढ़ाई में। तो ऐसे ही अपने हम सारे कटलेट को पहले बेसन में डिप कर लेंगे और फिर इस क्रम में डिप करके कढ़ाई में डालते जाएंगे और इसी तरीके से अपने हम सारे कटलेट को बना लेते हैं। तो इनको भी हम पलट देते हैं, एक मिनट अच्छे से नीचे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा बैच भी कितने बढ़िया से सिक गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और फिर इनके हम प्लेटिंग करते हैं बढ़िया सी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बचे हुए चावलों का टेस्टी सा नाश्ता बनके हो गया तैयार। देखिए देखने से कितना क्रिस्पी दिख रहा है, एक आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल मुलायम मुलायम बना हुआ है। और आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लेकिन बना के खाइए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। देखिए इतना मज़ेदार नाश्ता है। थैंक यू।